कंप्यूटर में रैम एक ऐसी मेमोरी है ना जिसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप सीडी में डेटा स्टोर करते हैं, सीडी नहीं मिलेगी डीवीडी ले लेंगे, डीवीडी नहीं मिलेगी पेन ड्राइव ले लेंगे, हार्ड डिस्क ले लेंगे। लेकिन अगर रैम नहीं होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर क्या करेगा? आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो रैम के ऊपर है। आज आप समझ पाएंगे रैम क्या होता है, क्यों प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, यूजेस क्या है रैम के। मैं शुरू करता हूं, हम पढ़ेंगे रैम डीपली। सो बने रहिए दुर्गेश सर के साथ, आप देख रहे हैं हैक माय ट्यूशन और यहां मैं बताने वाला हूं रैम। देखिए रैम क्या होता है ना, रैम ये देख रहे हैं, ये प्लीज एक प्लास्टिक का एक पीस है, एक बोर्ड है जिसपे कुछ सर्किट्स बने हुए हैं। ये जनरली डेटा स्टोर करने के लिए होता है। डेटा कैसा डेटा स्टोर करता है, ये करेंट रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करता है, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर चलता है तभी ये डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर बंद हो जाएगा ये डेटा को स्टोर नहीं करेगा। तो आज का पूरा वीडियो रैम के ऊपर है। सो बने रहिए लास्ट तक, मैं रैम को बताऊंगा, इसके बाद से सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। ये है सीपीयू, ये है सीपीयू, यहाँ लगता है सीपीयू। अधिकतम क्लासों में मैंने बताया है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही छोटा सा प्रोसेसर जो सीपीयू है दूसरे कंप्यूटर का है। यहाँ पे ये स्क्रैप है, तो ये सीपीयू है। सीपीयू सारा काम करता है, एक फाइल बनाते हैं सीपीयू बनाता है, एक फोल्डर बनाते हैं सीपीयू बनाता है, गाना बनाते हैं डाउनलोड करते हैं सीपीयू बनाता है, डिलीट सब कुछ सीपीयू करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सीपीयू ही डाउनलोड करके दिखा रहा है, बट डाउनलोड करके चला कहाँ रहा है? तो एक प्लेस होता है, यहाँ पे एक प्लेस होता है जिसको हम कहते हैं ये रैम। रैम में ही सीपीयू अपना सारा काम करता है। रैम यहाँ लगा होता है, यह है रैम के स्लॉट। तो रैम जो ऐसा मेमोरी है जहाँ पे सीपीयू अपना सारा काम करता है। देखेंगे दो स्लॉट है, सपोज कि मैंने 1 GB का रैम लिया है लेकिन मुझे अब 2 GB की जरूरत है, तो एक स्लॉट एक्स्ट्रा होता है, दूसरा रैम खरीद के आप यहाँ पे लगा देंगे तो ये वेस्ट नहीं होगा और दूसरा वाला भी लग के साइज बढ़ जाएगी। तो रैम इस स्लॉट में लगता है। अब रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि रैम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। रैम कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर। आप सी ड्राइव में जाओ, आप डी ड्राइव में जाओ, आप ई ड्राइव में जाओ, कहीं से भी ये रैंडम एक्सेस करता है, ना कि सिक्वेंशियल, ये सिक्वेंस में एक्सेस नहीं करता, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस कहते हैं। तो रैम एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे सीपीयू अपना सारा काम करता है। अब रैम के ना दो टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम रैम के टाइप हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो क्यों जरूरत पड़ती है रैम की? सीपीयू अपना सारा काम रैम पे करता है, सीपीयू अपना सारा काम रैम पे करता है, यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन है जितना काम आप कर रहे हो, आप एक सॉन्ग चला रहे हो, सीपीयू क्या करता है, ये सीपीयू ले आके सॉन्ग को इस पे चलाता है। अगर आपने फाइल को सेव कर दिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, डेटा यहाँ चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, यहाँ चला जाता है। तो जब तक आप कंप्यूटर चला के रखते हो सारा का सारा काम सीपीयू रैम पे करता है, इसलिए जब लाइट जाती है तो रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। इसी कारण से रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, वो मेमोरी जिसका डेटा लाइट जाने के बाद से चली जाए, इसे हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी जिसका डेटा क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होता, डेटा चेंज होता है। क्यों इसको हम ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रोम लगा हुआ है, बायोस, रोम का डेटा चेंज नहीं होता है। रोम में जो डेटा लिखा हुआ है इसमें इंस्ट्रक्शन होता है और आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे रोम क्या करता है, कैसे करता है। तो रैम क्या करता है, एक वोलाटाइल मेमोरी होता है जिसका डेटा फिक्स होता है, इसका डेटा क्या होता है, वोलाटाइल होता है, इसका डेटा बदलता रहता है। और रैम को हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं, यानी कि रैम में लिखा भी जा सकता है और रैम को पढ़ा भी जा सकता है। तो रैम इज़ अ रीड राइट मेमोरी। सो रैम के बारे में ये डिटेल थी। और रैम जो है वो एक सर्किट है, वो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता, वो प्राइमरी मेमोरी है, वो वोलाटाइल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी क्यों है? क्योंकि सीपीयू अपना सारा काम रैम पे करता है, इसलिए रैम को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। रैम के साइज़ क्या क्या होते हैं? तो रैम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आते हैं, 512 MB, 1024 MB, ऐसे ही सब कुछ होता है। बन रही मेरे साथ, मैं दुर्गेश सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़, बाय बाय।